जी अगर आपको ऑलवेज करना है तो इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड करना है उस नंबर को यहाँ पे डालना है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी नंबर को किसी और नंबर पे कैसे कॉल फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ए टू डी स्टेप बताऊँगा किस तरीके से आप जिस नंबर से परेशान है उस नंबर को किसी और नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। जो आप जिस नंबर से परेशान है उस नंबर पर फ़ोन ही नहीं आएगा, वो सीधे दूसरे नंबर पर चला जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ए टू डी स्टेप बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा, जो लोग भी यार चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि कंटिन्यूअस ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो बढ़ाने करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कॉल फॉरवर्ड कैसे करते हैं सैमसंग मोबाइल में, खास करके आपको सैमसंग मोबाइल से मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो बढ़ाने करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कॉल फॉरवर्ड किसी को भी कर सकते हैं। दोस्तों तो हमको क्या करना है, ये कॉलिंग में जाना है। दोस्तों कॉलिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट का निशान, डॉट का ऑप्शन आ रहा है, डॉट पे क्लिक करना है। डॉट पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग में आपको जाना है। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक नंबर, रिकॉर्ड कॉल बैकग्राउंड कॉल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा सप्लीमेंट्री सर्विस, देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों सप्लीमेंट्री सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं शो योर कॉलर आईडी, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेयरिंग, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, कॉल फॉरवर्ड करना है। ये कॉल फॉरवर्ड पे हम चलेगा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आए, आप कौन सा कॉल फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल, दोनों पे किस जिस पे करना चाहे उस पे वो हो जाएगा। तो अगर आपको वॉइस कॉल पे कॉल फॉरवर्ड करना है किसी और नंबर पे तो आपको क्या करना है, वॉइस कॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑलवेज फॉरवर्ड तो ऑलवेज करना है, व्हेन बिजी तो व्हेन बिजी, अगर आपको ऑलवेज करना है तो इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करना है उस नंबर को यहाँ पे डालना है। दोस्तों उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे उसी नंबर पे फ़ोन जाएगा। जैसे चलिए मैं डाल दिया, अब चलिए मैं ये नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अनेबल कर देना है। ये नंबर जैसे ही डाल देंगे इसी नंबर पे जो भी मेरे नंबर पे कॉल आएगा वो सीधे इस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड होगा। दोस्तों ठीक है, तो इसको मैं अब करता हूँ अनेबल। ऑलवेज करेंगे अगर देखिए दो टाइप का, व्हेन बिजी ये वन नंबर, तो ये सब इस टाइप का होगा, तो ये हम अनेबल कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मेरा नंबर ऑलवेज फॉरवर्ड हो गया, इस नंबर पे कोई भी मुझे कॉल करेगा तो इसी नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब मेरे नंबर पे कॉल नहीं आएगा। सेम आपको भी वैसा ही होगा कि आपको अगर कोई दूसरे नंबर पे कॉल करता है, अगर उस नंबर से परेशान है तो आप कॉल फॉरवर्ड कर दीजिए, उस नंबर पर कॉल ही नहीं जाएगा, दूसरे किसी और को कॉल फॉरवर्ड चला जाएगा। दोस्तों तो इसी तरीके से करना है। दोस्तों तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।